दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मितान भिलाई यूट्यूब चैनल में मैं अभी पहुंच गया हूं चरोदा रेलवे कॉलोनी, और यहां पर बना है संसद भवन। काफ़ी सुंदर है, जो आप लोग पीछे देख पाएंगे। मैं अभी जाऊंगा, वीडियो वहां का अंदर का भी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को पंडाल के पास लेकर जाऊंगा, और पंडाल कितनी सुंदर से बनाया गया है, काफ़ी नज़दीक से आप लोगों को दिखाऊंगा पंडाल को। और अंदर भी जितने डेकोरेशन हुए हैं पंडाल के अंदर, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और पंडाल बनाने में मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत लगा है, क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी से बनाया गया है। संसद भवन पूरा संसद भवन जैसा ही लग रहा है, पूरा उसका हाइट के हिसाब से देखा जाए तो। ये बाहर का नज़ारा है दोस्तों, काफी हाइटेड भी है पंडाल का। और पंडाल के सबसे टॉप में दोस्तों अपने देश का तिरंगा झंडा को लगाकर सम्मानित किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इस सबसे ऊपर का दृश्य है गुंबज जो बना हुआ है, और उसके जस्ट नीचे बाबा साहेब का स्टेचू लगाया गया है। ये प्रवेश द्वार है दोस्तों, पंडाल के सामने प्रवेश द्वार के पास भी लाइटों से सजाया गया है। काफी बड़ा पंडाल है दोस्तों। पंडाल में जो लाइट का जो सजावट किया गया है, काफी प्यारा प्यारा कलर है। सामने का प्रवेश द्वार, सामने प्रवेश द्वार के सामने ये जो लाइटों से सजाया गया है, छोटा सा एक गार्डन जैसे बनाया गया है, वाटर फुवारा। प्रवेश द्वार के सामने एक गणेश जी की प्रतिमा स्टैचू लगाया गया है दोस्तों। काफी समय भी हो चुका था, इसलिए भीड़ भाड़ है नहीं, और बहुत अच्छी तरह से दर्शन करने को भी मिल गया। काफी पंडाल के अंदर खाली था थोड़ा सा दोस्तों। ये दुर्गा माता का जो स्टेचू है, जो सामने पंडाल के प्रवेश द्वार में लगाया गया है, खासकर ये दुर्गा पंडालों में अक्सर दिखता है, बंगाली लोग के पंडालों में। दोस्तों जितने भी मितान भिलाई यूट्यूब चैनल में वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। पंडाल का जो अंदर दृश्य है दोस्तों, नमस्कार आप सभी को मितान भिलाई यूट्यूब चैनल में मैं पहुंच गया हूं अभी संसद भवन, जो कि बहुत प्यारा बना हुआ है, देख पा रहे हैं अंदर। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों मैं आपको जहां पे गणेश जी की प्रतिमा बैठाई गया है, वहाँ का लाइटिंग और सजावट डेकोरेशन आप लोगों को दिखाऊंगा। अंदर का दृश्य काफी प्यारा सजावट है अंदर का, मानो आपको ऐसा लगेगा पंडाल के अंदर की राजाओं के महल में पहुंच गए हैं। ऊपर का सजावट देख रहे हैं दोस्तों, काफी प्यारा सजावट है। अंदर बैठने का भी सुविधा है,
स्टेज के ऊपर गोल्डन कलर का सजावट काफी प्यारा दिख रहा है और गणेश जी की मूर्ति भी बहुत प्यारी है। मुंशक राज काफी बड़े हाइट के बैठा गया है। गणेश भगवान का जो मुकुट चांदी कलर का काफी प्यारा मूर्ति है दोस्तों। पंडाल में भीड़ नहीं होने के कारण इतना अच्छा वीडियो बनाने में मिला। दोस्तों ये पंडाल बनाया गया है चरोदा BMY रेलवे कॉलोनी के पास। दोस्तों जितने भी लोग इस पंडाल को देखने आएंगे गणेश पंडाल को, तो आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली का संसद भवन भिलाई चरोदा में आ गया है। दोस्तों जितने भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति नव युवा चेतना मंच।